नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो थोड़ी लेट हो गई है आने में, वरना डेली आ रही थी 8 बजे की। तो आज हम फेल हो गए हमारे जो शेड्यूल में, उसका कारण है कि मेरे पास अभी जो है ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है और मैं नहीं कर पा रहा हूँ, वीडियोज़ बना नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जगह नहीं मिल पा रही है प्रॉपर और जहाँ पे मैं बन के बैठ के ये सारी चीज़ें बना के आपको अपलोड कर पाऊँ। और चलिए छोड़िए, ये तो एक अलग बात है, लेकिन हम हमारे वीडियोज़ पे कंटिन्यू आते ही रहेंगे। हो सकता है थोड़ा टाइम इधर उधर हो जाए, लेकिन हमारे वीडियोस आना बंद नहीं होंगे फॉर श्योर। सो दोस्तों, अभी तक हमने देखा पिछले वीडियो में कि हमने अनमैनेज अगर नेटवर्किंग होती है तो उसके लिए हमें कितना सिंपल सा क्या नेटवर्क डिज़ाइन करना पड़ता है। कोई भी स्विच अनमैनेज वाले उठा के डाल दो और वहाँ पर अगर आपस में कम्युनिकेट नहीं करवाना है तो वहाँ पर हमने अलग अलग IP एड्रेस वगैरह 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 सारी चीज़ मैंने उसमें बताई। तो वो था एक पूरा अनमैनेज नेटवर्क। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मैं ये वीडियो इसलिए थोड़े से लंबे खींच रहा हूँ और इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि जो एक नेटवर्क डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ बताएं। तो मैं सोचा कि चलो, ये एक जो कोर्स चल रहा है इसमें हम ऐसी पोजिशन पर हैं जहाँ पर ये चीज़ें क्लियर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सोचा कि चलो, क्यों ना इसको और ज़्यादा डिटेल्ड में बना के आप लोगों को बताऊँ, ताकि आप लोगों को कोई भी नेटवर्क डिज़ाइन करने से पहले आपके माइंड में तीन चीज़ें रहें कि क्या तीन सब मेन जो पॉइंट्स हैं उन पे आपको काम करना है और उसके अंदर आपको क्या क्या करना पड़ता है। सो दोस्तों, चलिए चलते हैं देखने की ये तीन पॉइंट कौन से हैं। पहला पॉइंट है नेटवर्क रिक्वायरमेंट। नेटवर्क रिक्वायरमेंट की जहाँ पर बात आती है, तो नेटवर्क रिक्वायरमेंट से मैं ये कहूँगा कि जब हम बात करें सबसे पहले कि नेटवर्क डिज़ाइन करने की, लेकिन डिज़ाइनिंग तभी पॉसिबल है जब हमें हमारी पूरी साइट के बारे में पता होगा, जहाँ पे ये नेटवर्क हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो वहाँ पे किस तरह की नेटवर्किंग हो सकती है, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, सबसे पहले तो वो साइट सर्वे करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मान लेते हैं कि ये जो हमारे सामने स्क्रीन पे है, ये पूरी हमारी साइट है जहाँ पे हमने पूरा करना है नेटवर्क रेडी इम्प्लीमेंट करना है। और साथ ही साथ हमें जो है यहाँ के ओनर्स जो हैं क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारा, किस तरह का वो उनको नेटवर्क एक्चुअली में रिक्वायर्ड है, तो वो भी उनसे भी बात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमारी साइट पे जाएंगे, साइट पे जाके पूरी हमारे जो साइट है उसको रिव्यू करेंगे कि कितने PC किस डिपार्टमेंट के अंदर लगने वाले हैं या किस लोकेशन के अंदर लगने वाले हैं, और आपको वहाँ पे किस तरह का नेटवर्क डिज़ाइन करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसमें साइट विज़िट के दौरान ही ये चीज़ें देख सकते हैं। ध्यान रहे जब आप साइट विज़िट कर रहे हों, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि आपको जो नेटवर्क है बनाने के लिए बोल दिया जाता है, वहीं पर जो है जहाँ जिस शाफ्ट के थ्रू होकर आपको जो है आपकी केबल्स जानी है, वहीं पे जो आपको इलेक्ट्रिक के जो हाई वोल्टेज वाली जो केबल्स हैं वो भी वहीं से जो है क्रॉस हो रही होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप ओनर से बात कर सकते हैं उस साइट के कि आपको जो है एक सेपरेट डिफरेंट लोकेशन चाहिए पूरी केबल को ट्रैवल करवाने में, क्योंकि जिस जगह पे अभी वो केबल ट्रैवल हो रही है वहाँ पे हाई वोल्टेज जो है ट्रैवल हो रहा है, तो जो कि आपके नेटवर्क के डेटा को इम्पैक्ट करेगा डेफिनेटली, उसके स्पीड में उसके ट्रांसफ़र रेट में जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम आएंगी। तो दोस्तों, ये चीज़ का बहुत ही पहले सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारी जो केबल्स हैं वो हाई वोल्टेज वाली केबल्स से पूरा एक सेपरेट टनल के थ्रू जो है हमारी केबल्स वहाँ पे रूट हों। और साथ में साथ हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन सा इजी वे है हमारी केबल्स ले करने का, और वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको प्रैक्टिकल, मैं तो आपको सिर्फ एक गाइडेंस दे सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली आपको जो है खुद करना पड़ेगा, खुद करके वहाँ पे साइट विज़िट करके आपको बताना पड़ेगा। डेफिनेटली मैं बहुत ही जल्दी आपको एक पूरा प्रैक्टिकल शुरू से एंड तक किस तरह से क्या क्या स्टेप करने पड़ते हैं, मैं पूरा कंप्लीट वीडियो आपको प्रैक्टिकली जो मैं साइट पर करने वाला हूँ वो आपको मैं दूंगा करके, और वहाँ पे किस तरह से मैं सोचता हूँ, किस तरह से मैं नेटवर्क पहले अपने माइंड में सेट करूँगा, वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताने वाला हूँ।
सो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये तो हो गई पहली बात कि साइट सर्वे करना बहुत ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ जो है आपको वहाँ के ओनर से बात करना है कि वो एग्जैक्टली चाहते क्या हैं। सपोज़ कर लीजिए इस साइट के जो ओनर हैं वो उन्होंने कहा कि भैया मुझे तो इस नेटवर्क में पूरी 100% सिक्योरिटी चाहिए। 100% तो सिक्योरिटी खैर बहुत अलग चीज़ है, लेकिन वो कहते ऐसा है कि 100% सिक्योरिटी चाहिए, यानी कि वो अपने डेटा से रिलेटेड डेटा सिक्योरिटी को काफ़ी कंसर्न रखते हैं। तो ऐसे में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, सो दोस्तों, और साथ ही साथ वो आपको प्लान क्या क्या करना है, तो वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पहले जो पहला पॉइंट है नेटवर्क रिक्वायरमेंट। तो ये नेटवर्क रिक्वायरमेंट तभी आपको पता चलेंगे जब आप साइट विजिट करेंगे, वहाँ पे कितने इक्विपमेंट लगने वाले, कितना है वहाँ पे स्विच लगने वाले हैं, कितनी केबल किस तरह से जाएगी, वो सारी चीज़ें आपके वो पहले से डिज़ाइन करनी जो है नेटवर्क की रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी। सेकेंड ऑप्शन होता है कि नेटवर्क डिज़ाइनिंग, यानी कि ये जो साइट है यहाँ पर आपका नेटवर्क जो केबल्स हैं वो किस तरह से ट्रैवल करेंगी, कहाँ पे कौन सा वाला स्विच लगेगा, यानी कि L2 कहाँ पे लगेगा, L3 स्विच कहाँ पे लगेगा, और किस तरह से उसका आपको जो है काम पूरा का पूरा लेआउट किस तरह से कनेक्टिविटी इन एंड यूज़र्स को देनी है, वो सारा का सारा जो चीज़ है वो आता है सेकेंड ऑप्शन यानी कि नेटवर्क डिज़ाइनिंग के अंदर। फाइनल जो स्टेप आपको करना है बिफोर इम्प्लीमेंटिंग और बिफोर मेकिंग एनीथिंग, सो आपका है कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि आपकी ये जो साइट है यहाँ पे जो आप नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे हो उनकी रिक्वायरमेंट के बेस के ऊपर, उसका आपको कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, यानी कि आईपी एड्रेस वगैरह आप किस तरह से देंगे, कॉमन देंगे कि अलग अलग रखेंगे, उनको वीलैन के अंदर किस तरह से डिवाइड करेंगे, उन पे पोर्ट सिक्योरिटी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, और अगर पोर्ट सिक्योरिटी लगाएंगे तो किस तरह से लगाएंगे, हमारे जो स्विच हैं उनको क्लाइंट में डालेंगे कि सर्वर में डालेंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको कॉन्फ़िगरेशन यानी कि तीसरा जो पार्ट है उसमें सारी चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती हैं। तो चलो दोस्तों अभी हम करते हैं इन तीनों चीज़ों को कंबाइन और देखते हैं कि किस तरह से ये नेटवर्क जो है डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो ये है हमारा सर्वर रूम, तो ये सर्वर रूम से हमारी जो केबल हैं, मैं आपको जो साइट पे एक्चुअल में मैं करता हूँ वो चीज़ें बताने वाला हूँ यहाँ पे, तो ऐसे में आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी कि एक्चुअल में जो एक्चुअल नेटवर्क्स होते हैं उसको किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। सी अभी बात कर लेते हैं सबसे पहले कि स्विच की, तो सर्वर रूम जो होता है वहाँ पे हमें L3 जो स्विचेस हैं वो प्लान करने हैं। रीज़न बीइंग L3 स्विच का प्लान करने का, क्योंकि L3 स्विच जो है उनके अंदर एक राउटर की पूरी क्षमता होती है, तो वो जो है दूसरे जो स्विच हैं वो आप एक ही नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन L3 स्विचेस जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स के अंदर भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी कि जो राउटर हैं वो बेसिकली एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट वगैरह करने के लिए जो उनकी क्षमता होती है वो है L3 स्विचेस में। तो हम जो कोर स्विच बोलते हैं तो वो कोर स्विच यानी कि L3 स्विच को हम कोर स्विच बोलते हैं बेसिकली। सो कोर स्विच जो है हम सर्वर रूम में जहाँ पे भी मेन टर्मिनेशन होना है वहाँ पे हम प्लान करेंगे, और बाकी जितने भी ये डिपार्टमेंट्स, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग ऑफिस है, HR ऑफिस है, एडमिन ऑफिस है, परचेस ऑफिस है, यहाँ पे हम प्लान करने वाले हैं L2 स्विचेस, राइट, क्योंकि हमें जो है इनको अलग अलग रखना है, तो हम अलग अलग करना है, तो हम यहाँ के लिए हर डिपार्टमेंट के लिए अलग स्विच प्लान कर सकते हैं विद इन डिपार्टमेंट भी। और अगर ऐसा नहीं हो तो यहाँ पर सपोज़ कर लीजिए एक नेटवर्क रैक लगा दिया जाए और वहाँ पे वो सारे के सारे स्विचेस लगा दिए जाएँ, वहाँ से डायरेक्ट केबल हम यहाँ तक लेके जाएँ, तो ऐसा करने पे क्या होगा कि आपके पास केबल की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, और स्विचेस को तो डेफिनेटली जो ख़रीदने हैं वो तो ख़रीदने ही पड़ेंगे। तो वहाँ हम ना प्लान करके हम जो है विद इन डिपार्टमेंट जो है स्विच को प्लान करेंगे, ताकि जो स्विच से ये एंड यूज़र तक जो केबल है उसकी जो लेंथ है वो काफ़ी कम रहे। सो दोस्तों ये तो था हमारा कंप्लीट किस तरह से हम जो करने वाले हैं। अब बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की। कॉन्फ़िगरेशन में मैं बता दूं, हम कॉमन आईपी सभी स्विच पीसी को देने वाले हैं, यानी कि अगर यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 जो भी आगे आता है एंड तक वहाँ तक हम करेंगे। सो आगे चल के जो है हम
दो नेटवर्क किस तरह से डिज़ाइन करते हैं एक ही जगह पे और उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए हम जो है इन सबको एक ही कॉमन नेटवर्क के अंदर डालेंगे, लेकिन इनको सेपरेट सेपरेट आपस में ये कम्युनिकेट ना कर पाएँ उसके लिए हम जो है इनमें VLAN कॉन्फ़िगर करेंगे। और साथ ही साथ हम यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट बात कर रहे हैं हम, तो इसमें हम VLAN कॉन्फ़िगर करेंगे ताकि ये आपस में कम्युनिकेट ना कर पाएँ। IP रेंज हम कॉमन ही रखेंगे क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट IP रेंज हर डिपार्टमेंट के लिए रखेंगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है और उसमें काफ़ी सारी क्या है रिकॉर्ड कीपिंग में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मतलब प्रॉब्लम तो खैर क्या, उसमें हमें रिकॉर्ड पूरा मेंटेन रखना पड़ेगा, लेकिन ये यहीं पे अगर कॉमन IP रखेंगे तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। और फिर उसके बाद हम उसमें पोर्ट सिक्योरिटी लगाएंगे, प्रूनिंग लगाएंगे। प्रूनिंग बेसिकली इसलिए लगाएंगे क्योंकि जो हम इतने सारे VLAN जो है कॉन्फ़िगर करने वाले हैं तो जिस स्विच पे जो VLAN की रिक्वायरमेंट है हमें वही VLAN हम उस पर डालेंगे, बाकी का ट्रैफिक और ज़्यादा ट्रैफिक ना जनरेट हो हर स्विच के ऊपर उस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम प्रूनिंग का इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही साथ हमारे जो स्विचेस होंगे उन स्विचेस को जो है हम क्या करेंगे, हमारे जो स्विच हैं उनको L2 जो स्विच होंगे उनको हम एज अ जो डिपार्टमेंट के यहाँ पे सर्वर रूम नहीं बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं L2 वाले उन स्विचेस को हम क्लाइंट डिफाइन करेंगे और हमारा जो सर्वर रूम का जो कोर स्विच है उसको हम एज अ सर्वर डिफाइन करेंगे। और साथ ही साथ इसमें इंटरनेट किस तरह से टर्मिनेट करेंगे वो सारी चीज़ें भी हम जो है पूरा का पूरा इसमें देखने वाले हैं। सो दोस्तों आज के लिए ये पूरा ब्रीफ मैंने आपको दिया है कि किस तरह से ये जो नेटवर्क के 3 पॉइंट होते हैं, राइट, पहला नेटवर्क रिक्वायरमेंट यानी कि किस तरह से आपको वो नेटवर्क रिक्वायरमेंट समझनी है, दूसरा है नेटवर्क डिज़ाइनिंग, पूरी रिक्वायरमेंट समझने के बाद ही आप जो है नेटवर्क की डिज़ाइनिंग कर पाएंगे, जब तक आपको नेटवर्क की रिक्वायरमेंट ही नहीं पता होगी तो आप डिज़ाइनिंग बिल्कुल सोच भी नहीं सकते हैं, राइट, क्योंकि अगर विदाउट डूइंग दी सर्वे ऑफ दी साइट आप कुछ भी अपने माइंड में सोच लो तो वहाँ पे जब आप जाके इम्प्लीमेंट करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ओके यहाँ पे तो ये रिक्वायरमेंट थी। तो रिक्वायरमेंट पहले नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें साइट सर्वे करना बहुत ही ज़रूरी है, दूसरा नेटवर्क डिज़ाइन करना और ऐसा डिज़ाइन करना कि आगे चल के उसमें जो है ट्रबल शूटिंग करना आसान हो, तीसरा कॉन्फ़िगरेशन हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए। तो कॉन्फ़िगरेशन में भी हमें डेटा सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी का और ट्रैफिक शेपिंग यानी कि ट्रैफिक जो है वो हर स्विच पे हमारे नेटवर्क में जितना कम रहेगा उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये 3 चीज़ों को जो है बहुत ही ध्यान से बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीक़ों से है पूरा नेटवर्क जो है वो डिज़ाइन किया जाता है, पूरा इम्प्लीमेंटेशन A से लेके Z तक जो पूरा एग्जीक्यूशन है वो इन 3 पॉइंट्स के अंडर में ही किया जाता है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए सिर्फ एक ये शॉर्ट ब्रीफ, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और आपके अगर कोई भी कमेंट्स हैं तो कोई भी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ मुझे मेल करें, मुझे कमेंट में लिख के बताएं ताकि मैं आपके इसी पूरे प्रोसेस के दौरान ही मैं आपके सभी के क्वेश्चन जो रिलेटेड टू इस प्रोजेक्ट है उनके जवाब आपको दे पाऊँ ऑन टाइम और उनको मैं कवर कर पाऊँ अपकमिंग वीडियोज़ में। सो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।